नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर एंड वास्तु टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रावण संहिता के तांत्रिक उपाय धन प्राप्ति के अचूक मंत्र। रावण एक असुर था, लेकिन वह सभी शास्त्रों का जानकार और प्रकांड विद्वान था। रावण ने ज्योतिष और तंत्र शास्त्र संबंधित ज्ञान के लिए रावण संहिता की रचना की थी। रावण संहिता में ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के माध्यम से भविष्य को जानने के कई रहस्य बताए गए हैं। इस संहिता में बुरे को अच्छे समय में बदलने के लिए भी चमत्कारी तांत्रिक उपाय बताए गए हैं। जो भी व्यक्ति इन तांत्रिक उपायों को अपनाता है, उसकी किस्मत बदलने में अधिक समय नहीं लगती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रावण संहिता के धन प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपाय, जिसे अपनाकर आप धन प्राप्ति के मार्ग खोल सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं रावण संहिता के तांत्रिक उपाय धन प्राप्ति के लिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी शुभ दिन सुबह जल्दी उठें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी या जलाशय के किनारे जाएं। किसी शांत एवं एकांत स्थान पर वट वृक्ष के नीचे चमड़े का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर धन प्राप्ति का मंत्र जप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः द्वः द्वः स्वाहा। इस मंत्र का जप आपको 21 दिनों तक करना चाहिए। मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। 21 दिनों में अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप करें। जैसे ही यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्त करने में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो उसे यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय 40 दिनों तक किया जाना चाहिए। इसे अपने घर पर ही किया जा सकता है। उपाय के अनुसार धन प्राप्ति मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन 108 बार। मंत्र इस प्रकार है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीं श्रीं मम धनम देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करने से कुछ ही दिनों में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके धन में आ रही रुकावटें भी दूर होने लगेंगी।